हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो मचान भी द्वारा खेती किया गया था, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें तैयार हो गया है और कौन कौन सी सब्ज़ी तैयार है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अभी आपको हम दिखाएंगे कौन कौन सा सब्ज़ी हम उगाए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से फाइनली एंटर करते हैं। ये देखिए शुरुआत, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना ही अच्छा पशु लगा है। और देखिए सर्फ दिया है गाइस, और यहाँ से एंटर करेंगे। और भाई ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इधर लौकी है, ये देखिए एकदम मचान भी द्वारा खेती किए हैं। और करेला है, अभी इसमें जो है सब्जी नहीं उगी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए कितना ही प्यारा प्यारा ये लौकी है। और आपको हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखिएगा पूरा चारों तरफ, ये देखिए। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये है ननुआ। और आइए आपको हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मचान भी द्वारा पूरा जो हम लोग यहाँ पे खेती किया गया था पूरा देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए तैयार हो गया है, और बाजरा भी देख सकते हैं लगभग हो गया है, उसको काटते हैं। और वहाँ पर देखिए दोस्तों कद्दू है। तो गाइस देखिए, जो कद्दू यहाँ पर बोया गया था, इसका बीज यहाँ पे देखिए लगभग ये 1 किलो का तैयार है। और इसका तोड़ेंगे दोस्तों, आज सब्जी बनाएंगे शाम को। और ये देखिए भाई, यहाँ पे देखिए कितना ही अच्छा है देखिए दोस्तों। और ये देखिए बोड़ा की खेती यहाँ पे है। और देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम भी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, इसको चिचिन्ना बोलते हैं, चिचिन्ना की सब्ज़ी कौन कौन खाया है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा है, ये देखिए एकदम पूरा भाई देख सकते हैं किस तरह से पूरा तैयार है ये चिचिन्ना। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं, उधर भी चिचिन्ना है। और ये भिंडी, ये भी जो है तैयार हो जाएगा एक आध हफ्ते में दोस्तों। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं तरोई की सब्ज़ी, देखिए मार्केट में इसका रेट बहुत ही ज़्यादा रहता है, लगभग 60 रुपये किलो, 60 से 70 रुपये किलो रहता है। तो दोस्तों देखिए, इस समय जो है हम लोग मार्केट की कोई भी सब्ज़ी नहीं खरीद रहे हैं सुबह शाम के लिए, यहीं से जो है अपने खेत से तोड़ के जो है बनाया जा रहा है। और देखिए कुछ जो है सब्ज़ी उस पर पेड़ पे जो है उस पर चढ़ गए हैं उसकी लताएं, और आप लोग इधर देख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, और देखिए जो चेरी बोया गया था ये भी एकदम तैयार है, इसको डेली काट के ले जाते हैं और आज भी काट के ले जाएँगे भैंस को चारा खिलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये अंदर चल के, ये देखिए भाई कितना ये सब्ज़ी प्यारा प्यारा है। ये देखिए गाइस एकदम शुद्ध, इसमें दवा हम लोग दोस्तों कोई छिड़काव नहीं किए हैं, आपको एकदम क्लियर बता दें, कोई इसमें दवा का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए भाई, यहाँ पे देख सकते हैं तर्रुई, देखिए कितना ही अच्छा मचान बनाया गया है। और चलिए आपको हम दिखा रहे हैं अभी, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कितना ही देखिए हरी भरी सब्ज़ी दोस्तों, एकदम ताज़ा ताज़ा डेली दोस्तों हम लोग ले जाते हैं तोड़ के बनता है, मार्केट से कोई सब्ज़ी नहीं खरीदना पड़ता भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको जो है तरोई मिल जाएगी देखने को, ये देख सकते हैं। और वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ मेरी वाइफ है जो कि वो रील्स बना रही हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी दिखा रहे हैं अच्छी से अच्छी सब्ज़ी। और दोस्तों देख सकते हैं जो सब्ज़ी खेती किया जाता है दोस्तों ऐसे ही किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो ये हम लोग बाड़ा बनाए थे, मतलब ये जो मचान बनाए थे, ये जो बांस हरा था दोस्तों काट के इसमें गाड़ा गया था, तो इसमें दोस्तों ये देख सकते हैं ये निकलने लगा है। इसमें देखिए इसका जो एक ही पत्ती भी इसमें निकलने लगी, और देखिए ये भी दोस्तों अब इसी में लग गया है। तो आइए आपको दिखा रहे हैं गाइस, ये देखिए बैगन वैगन तो फिलहाल अभी नहीं फर रहा है, देख सकते हैं इसमें कोई भी बैगन टमाटर में नहीं कोई दोस्तों, अभी ये काफ़ी टाइम लगेगा। ये मिर्चा है इधर, और ये देख सकते हैं ये है सरपुतिया, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं सरपुतिया है ये, सरपुतिया दोस्तों। इसका भी मार्केट में कम से कम 50-60 रुपए से इसका भी रेट है दोस्तों किलो, ये आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। और दोस्तों गाँव का नज़ारा देख सकते हैं हमारे, कितना है इस हरा भरा सुंदर दृश्य दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में जो भेड़िया का आतंक है, ये देख सकते हैं उसके द्वारा। ये देखिए जो हम लोग मक्का बोए थे उसको जनरी बोलते हैं दोस्तों गांव देहात में, तो उसका पसंदीदा भोजन यही है दोस्तों। देख सकते हैं ये किस तरीके से इसमें, देखिए दोस्तों एकदम दिखा दीजिए, देखिए पूरा किस तरह से खा लिया भाई, देखिए देख सकते हैं जनरी था पूरा एकदम, ये देखिए पूरा सफ़ा कर दिया है भेड़िया, भेड़िया का आतंक है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं भैंस के लिए चारा काटने, ये देखिए भाई हरा भरा है, ये देखिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में बताना, और जो चैनल पर आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Peace.